राप्तीनगर वार्ड में विशेष सफाई महाअभियान में सफाई कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक निरीक्षण के लिए निकल गए। आयोजन स्थल से पैदल ही तकरीबन 150 मीटर दूर मुख्यमंत्री डॉक्टर्स एनक्लेव पहुंचे। यहां नागरिकों ने जलभराव की समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएम विजय किरण आनंद को बुलाकर कच्चा नाला खोदकर जल निकासी कराने का आदेश दिया। जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज रोड के किनारे की कॉलोनियों पादरी बाजार बिछिया आदि इलाके से गुजरे गुड़धुइया नाले में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि नाला भी साफ कराया जाए जिससे लोगों को जलभराव से छुटकारा दिलाया जा सके। ये इसी पानी को निकालने की व्यवस्था जो है मैंने कहा मैंने उससे इसीलिए कहा था कि नगर निगम प्लानिंग करिए, समय बन रहा था उसी समय इसको करवाना चाहिए था। अब उसमें कच्चा ही नाला खुदवा करके इसकी निकासी की व्यवस्था करवाई है, हमने बताया इसको करके इसको फाइनल करवाए जिससे पानी सबका निकल सके, कहीं भी ये ना रहे। कैचमेंट एरिया और हटाना चाहिए जिससे पूरा उसकी सफाई करवाना होता क्या था कि पड़ी नहीं थी ऊपर की पूरी आबादी ग्रामीण क्षेत्र की सबका वहीं से निकासी होता था पानी बरसात का पानी सब वहीं से निकलता नागवा।